शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासन प्रशासन द्वारा नवरात्रि के पावन पर्व पर मुख्य मार्ग माधव चौक से होकर शहर के कई हिस्सों में जाकर फ्लैग मार्च निकाला गया। हम आपको बता दें कि नवरात्रि के पावन पर्व पर शहर में शांति व्यवस्था को देखने के लिए शिवपुरी SDOP अजय भार्गव सहित अपने दल बल के साथ पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें माधव चौक होते हुए मीट मार्केट, फिजिकल रोड, नीलघर चौराहा, गुरुद्वारा राजेश्वरी रोड, अस्पताल चौराहा, कोर्ट रोड से होते हुए वापस माधव चौक पर समाप्त हुई। शिवपुर से यूसुफ खान की रिपोर्ट। सर, आज जो फ्लैग मार्च निकाला गया था, सर किस उद्देश्य को लेकर निकाला? एक तो जो आगामी त्यौहार आ रहे हैं, नवदुर्गा है, दशहरा है, दीपावली है, उसमें कानून व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस की उपस्थिति महसूस हो। तो PHQ के भी निर्देश हैं कि अब इस तरह के फ्लैग मार्च महीने में 2 या 3 बार कंटिन्यू निकाले जाएँ। जो भी मेन मार्केट है, यहाँ से मीट मार्केट था, नीलगढ़ चौराहा है, राजेश्वरी रोड है, कोर्ट रोड है, उसके बाद यहाँ माधव चौक पर समाप्त किया। मैसेज यही है कि आम जनता के लिए मैसेज है कि अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, पुलिस मुस्तैद है त्यौहार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।